तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक एपीआई क्या होती है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा इजी लैंग्वेज में ताकि आपको पूरा समझ आ जाए, तो आप एपीआई के बारे में पूरा जान जाएंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी एंड्रॉयड ऐप में एपीआई यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ठीक है, उसका पर्पज क्या है, और हम लोग एपीआई को किस तरह से बना सकते हैं, किन लैंग्वेजेस में बना सकते हैं, कैसे उसको होस्ट कर सकते हैं, हर चीज की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एपीआई क्या होती है। देखो जब भी हम लोग एंड्रॉयड ऐप में हम लोग किसी सर्वर से डेटा ले रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्वर की मैं बात कर रहा हूं, मैं फायरबेस की बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड पार्टी सर्वर्स की बात कर रहा हूं, वहां से अगर हम लोग कुछ डेटा ले रहे हैं अपनी एंड्रॉयड ऐप में, तो उसको हम लोग ले सकते हैं एक एपीआई की हेल्प के थ्रू अपने ऐप के अंदर बहुत इजी तरीके से। अब एपीआई क्या होती है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और इसका यूज क्यों करना चाहिए एंड्रॉयड में और क्यों करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। तो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एपीआई बेसिकली एक आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि एक दुकान है, वहां पे कुछ सामान रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, कोई जनरल स्टोर है, वहां पे एक दुकानदार होता है जिसे हर चीज का पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है और किसको कहाँ से किस तरह से लेना है। तो जैसे कोई दुकान पे जाता है, उसको कुछ सामान चाहिए, तो वो दुकानदार से बोलता है कि मुझे ये सामान चाहिए, तो दुकानदार को पता होता है कहाँ पे है, वो ढूंढ एक मतलब जल्दी से ढूंढ के उसको दे देता है, ठीक है। इसी तरह से एपीआई काम करती है। अब एपीआई बेसिकली एक कोड होता है, ठीक है, एक कोड होता है जिसको ऑनलाइन हम लोग होस्ट कर देते हैं। होस्ट करने का मतलब एक कोड होगा, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि एक कोड है जो मुझे रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब जब भी उस कोड को चलाएंगे तब वो मुझे मेरा नाम देगा, ठीक है जी। मैंने सेव कर दिया अपना नाम, अभिषेक नाम मैंने सेव कर दिया उस कोड के अंदर, कि वो प्रिंट करके मुझे मेरा नाम दे देगा। अब मैं एग्जाम्पल के लिए एक ऐप बनाई मैंने, उस ऐप में मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा नाम शो हो, और वो कैसे शो हो, वो उस सर्वर से शो हो। उस सर्वर पे हो सकता है मैं किसी और का नाम लिख दूं, अभी मैंने अभिषेक लिखा है, मैं वहां पे कुछ राहुल लिख दूं, कुछ अमन लिख दूं, या कुछ ऐसे नाम लिख दूं वो मुझे चाहिए, और जब मैं सर्वर पे चेंज करूं मेरी ऐप में भी वो चेंज दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एपीआई बनाता हूं। एपीआई क्या कोड है, और उस कोड को हम लोग कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा आगे, किन लैंग्वेजेस में लिखते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैं बना चुका हूं, जो इस वीडियो के बाद आप देखना जाके आपको इजीली समझ आएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। देखो एपीआई कोड है, मैंने कोड लिख दिया, मान लो पीएचपी लैंग्वेज है। पीएचपी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर साइड के लिए यूज की जाती है, या फिर आप इसको एंड्रॉयड ऐप के लिए भी एपीआई जो बनती हैं उनमें भी यूज कर सकते हो, वेबसाइट के लिए भी यूज होती है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने पीएचपी लैंग्वेज को यूज करते हुए एक एपीआई बनाई, यानी कि कोड लिखा। उस कोड में मैंने लिखा कि जब भी उस कोड को जब उस कोड का जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें मैंने लिखा कि जब भी वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए तब मुझे मेरा नाम रिटर्न हो, यानी कि कोड एग्जीक्यूट हुआ तो मुझे मेरा नाम दिखे, वो एक डेटा मिले मुझे। तो उस कोड को मैं क्या करूंगा, थर्ड पार्टी होस्टिंग साइट्स होती हैं, जैसे कि आप गोडैडी के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, गोडैडी का जो डोमेन आप लेते हो, ठीक है, एक डोमेन लेते हो, उसके साथ एक होस्टिंग भी गोडैडी की अपनी मिलती है, ठीक है। उस होस्टिंग को चलो मैंने परचेज कर लिया, वहां पे बहुत सारे प्लान होते हैं, वो तो चलो बाद की बातें हैं, हम लोगों ने होस्टिंग ले ली एक, ठीक है, तो वो एक आपको सर्वर प्रोवाइड करते हैं। आप शेयर्ड होस्टिंग लोगे तो वो बहुत सारे लोगों को एक ही सर्वर से वो बड़ा कुछ होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने एक सर्वर ले लिया वहां से, ठीक है, पर मंथ का उसका प्लान होता है। तो वहां उस सर्वर पे मैंने क्या किया, जो मेरा कोड था पीएचपी का उसको मैंने वहां पे लाइव कर दिया, उस कोड को मैंने अपलोड कर दिया, और एक डोमेन लिया मैंने कुछ, मैं वो मान के चल रहा हूँ अभिषेक डॉट कॉम, मेरे पास एक डोमेन है, उस डोमेन को मैंने क्या किया उसके साथ लिंक कर दिया। अब जब भी मैं अभिषेक डॉट कॉम चलाऊंगा ना, तो मेरी वेबसाइट जब रन होगी तो जो कोड मैंने उसमें डाला, जो एपीआई का जो मेरा कोड बना है वो मैंने उसके अंदर डाल दिया है वेबसाइट के अंदर, जब भी एग्जीक्यूट होगी वो मुझे क्या देगी, वेबसाइट मेरा नाम देगी, कि जब भी मैं अभिषेक डॉट कॉम खोलूंगा तो मुझे आगे प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा अभिषेक। सिंपल सी बात है। अब ये एपीआई का काम क्या हुआ और एंड्रॉयड पे हम लोग क्या करेंगे, ये मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। एपीआई जैसे मैंने दुकान का एग्जाम्पल दिया, जनरल स्टोर का एग्जाम्पल दिया, तो एपीआई क्या करेगी, जो सर्वर पे जैसे आपने कोड लिखा है अभिषेक, तो वो तो कोड से रिटर्न कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्वर के अपनी जो होस्टिंग है उसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक इमेज डाल दी है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस कोड को रन करूँ तो उस इमेज का यूआरएल मुझे मिल जाए और मैं अपनी ऐप में उसको शो कर सकूँ।
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एपीआई को रिक्वेस्ट दूंगा कि मेरा एक कोड रन करो जिसमें मुझे मेरी इमेज जो मैंने अपलोड की हुई सर्वर पे वो मिल जाए, उसका यूआरएल मिल जाए, उसका लिंक मिल जाए, ताकि मैं अपनी ऐप में उसको शो कर सकूं। तो एपीआई क्या करेगी, मान के चलो मैंने 10 इमेजेस डाली हुई है, उसको मुझे सिर्फ एक इमेज चाहिए जो abhishek.jpg नाम से एक इमेज है, जो मेरी इमेज है वो मुझे चाहिए, बहुत सारी इमेजेस है उसमें। तो एपीआई क्या करेगी, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि abhishek.jpg नाम की जो मेरी इमेज है वो मुझे दो, उसका यूआरएल मुझे दो। एपीआई क्या करेगी, उस सर्वर पे ढूंढेगी ढूंढेगी कहाँ पे वो अभिषेक नाम का जो फाइल है वो है, उसका यूआरएल लेगी और आपको रिटर्न कर देगी। ये काम एपीआई का, जैसे दुकान में कुछ सामान है वो ढूंढेगी, जो शॉपकीपर है वो ढूंढेगा तो आपको दे देगा, वैसे ही एपीआई क्या करेगी, जो सर्वर है वो एक दुकान है, ये जनरल स्टोर है जहां पे बहुत सारा डेटा आपका स्टोर है, वेबसाइट का आपका सारा जो भी आपकी कोड है पीएचपी के जो भी है वो सब स्टोर है, इमेजेस वगैरह सब कुछ आपने स्टोर करके रखा है, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये काम आया एपीआई का। अब एपीआई बेसिकली जैसे आप वेबसाइट की बात करें, मान के चलो एक वेबसाइट मैंने बनाई है उस पर भी सेम है, जब उसको मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे इमेज दिख रही है, तो वो वेबसाइट का जो बैकएंड का जो कोड है जो वो रन हो रहा है, उस कोड को, उस जो वेबसाइट का जो बैकग्राउंड बैकएंड में जो कोड रन हो रहा है वो भी एक एपीआई ही है जिसे वेबसाइट यूज कर रही है। तो जो सर्वर साइड का जो कोड होता है वही एपीआई होती है, उसी को आप एपीआई बोल सकते हो। एंड्रॉयड में जब आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट देते हो, यानी कि वेबसाइट के थ्रू जो आप कोड रन करके जो ले रहे हो चीज, वो हम लोग उसको बोलते हैं एपीआई। और उस पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गेट मेथड होता है, जैसे हम लोगों को कोई चीज चाहिए तो गेट मेथड लगाएंगे, एक पुट मेथड होता है, यानी कि हमारे पास एंड्रॉइड पे कोई फाइल है या फिर कुछ डेटा है या फिर कुछ टेक्स्ट है या कुछ भी है, उसको हम लोग सर्वर पे डालना चाहते हैं, तो हम लोग पुट रिक्वेस्ट डालेंगे, पुट का कोड लिखेंगे एंड्रॉइड पे, और जो भी फाइल हमारी होगी या जो कुछ चीज होगी वो सर्वर पे चली जाएगी। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि एपीआई है क्या और एंड्रॉइड पे हम लोग एपीआई का यूज क्यों करते हैं। अब बात करते हैं कि एपीआई को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ एक्सप्लेन करके कि एपीआई होती क्या है, हमको क्यों चाहिए, एंड्रॉयड पे क्या काम होगा उसका, वो हमको क्या करके देगी, वो सब हम लोगों ने जान लिया, लेकिन हमको ये भी जानना है कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल नहीं दे रहा कि किस तरह से कोड करना है, किस तरह से, इस एपीआई के ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने एक सिंपल सा एक वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी डोमेन वगैरह जो भी आप बोल लो वो लेकर के वहां पे हम लोगों ने कोड डाला है पीएचपी का ही, और उसी पे उस कोड को जब मतलब उस वेबसाइट पे जब हम रिक्वेस्ट मारते हैं तो एंड्रॉइड पे उसका वेबसाइट के अंदर जो डेटा होता है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाता है, तो वो आप देखना जरूर इसके बाद। तो मैं बोलता हूँ कि एपीआई को बनाने के लिए आप लोग पीएचपी का यूज करो, पीएचपी सीखना पड़ेगी। एपीआई बनाने के लिए आपको लैंग्वेज, एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, जावा आती है या कोटलिन आती है, इसके अलावा आपको पीएचपी आनी चाहिए ताकि आप एपीआई बना सको। पाइथन है, पाइथन पे भी एपीआई बन जाएगी, जावा पे भी बन जाएगी, लेकिन इन सबसे अच्छा पीएचपी रहता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो कोड रहते हैं कोड कैनियन पे या फिर जो भी है वो पीएचपी को यूज करता है, क्योंकि पीएचपी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, और उसी के साथ साथ ये एक जो इसकी जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटीज बहुत, अब ये तो डीप चीजें हो जाती है, ये जो ये पीएचपी जो है इसको होस्ट करना इजी होता है, यानी कि आप जो भी थर्ड पार्टी सर्वर ले लो, होस्टिंग ले लो, उस पर आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हो कोड को अपने पीएचपी को, इसलिए पीएचपी बेस्ट रहती है। तो आप क्या करते हो, कोड बनाते हो पीएचपी पे, एक कोड लिखते हो, उसी कोड को एग्जीक्यूट करते हो और उसी से आपको डेटा मिल जाता है, तो ये एपीआई का काम होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि एपीआई होती क्या है और एपीआई बनानी कैसे, उसके लिए वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसका सेकंड पार्ट उसको आप बोल सकते हो, लेकिन मैंने पहले वो अपलोड करके रखा है, आप उसको देखो जा करके और आप यूज करो किस तरह से हम लोगों ने एक सिंपल सा एक यूआरएल बनाया, उसको रिक्वेस्ट की और एंड्रॉइड पर उससे डेटा ले लिया, और इसी एपीआई के ऊपर हम लोग आगे भी वीडियोज बनाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे है आपके पास, बेसिक एंड्रॉइड से लेके बेसिक फायरबेस में जो एक्सपर्ट आपको बना देगी, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेक करो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।